थंबनेल कैसे बनाते हैं फोटोशॉप के ऊपर। तो थंबनेल कई प्रकार से बनते हैं, उसका कोई एक तरीका नहीं है। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम किस पे थंबनेल बना रहे हैं, थंबनेल को कैसे बनाएं और उस पे ऐसी क्या चीज़ लिखें कि जो भी वॉच करने वाला व्यक्ति होता है वो हमारे उस थंबनेल को देखे और वो आकर्षित हो जाए कि इसमें कुछ, इस संदर्भ में कुछ बातचीत होगी। जैसा कि अभी मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, फोटोशॉप पे थंबनेल कैसे बनाएं, आप इसे हिंदी में लिखें, आप इसे अंग्रेजी में लिखें। तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग फोटोशॉप पे थंबनेल बनाते हैं। तो इस फोटो को हम लोग ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में, ये एडोब फोटोशॉप में। फिर एक फ़ोटो और हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, जैसे ये बच्चे का फ़ोटो है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। इस प्रकार का ये फ़ोटो है, इसको भी हम लोग फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे त्रिकोणा लगा हुआ है, यहाँ से मैं सीधा इसको एडोब फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये एडोब फोटोशॉप के अंदर ये फ़ोटो आ गया है। हम सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं, फाइल में जाते हैं, एन दबा देते हैं और यहाँ पर हम लोग साइज ले लेते हैं इसकी, क्लिपबोर्ड से हटा के मैं फ़ोटो कर लेता हूँ यहाँ पे, और 12 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8। ये फोटो अभी मैं ब्लैंक पेज मैंने ले लिया है। इस कैमरे को भी इसके ऊपर ले आते हैं। तो कैमरे को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्रॉप टूल से थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। ये आप जो भी फ़ोटो होता है आपकी मर्ज़ी से आप उस फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको जैसा भी चाहिए साइज वैसी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। अब ये इस टाइप से हो गया, मैंने एंटर दबा दिया तो ये क्रॉप हो गया है। मैंने मूव टूल ले लिया है और यहाँ से आकर के मैं जो अपना ब्लैंक पेज है और ये जो हमारी फ़ोटो है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और ये हमारे इस ब्लैंक पेज पे आ गया। पिक्चर थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको अब छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर भी सारा लेयर्स का खेल हो रहा है, ये देखिए इधर इस पार्ट में आपको अलग अलग लेयर्स बनती हुई जाएगी और दिखाई देगी। और अगर इस पर हम लोग कोई फ़ोटो भी लेना चाहें तो ये एक फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो को मैं यूं कहूँ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देता हूँ, ये फ़ोटो भी आ गई यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा वाइट पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से इस प्रकार से, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। 300 mm लेंस है और ये भी एक बच्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इसको जैसा चाहें वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको यूँ चाहें तो भी ले सकते हैं और पूरा फ़ोटो लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, और खाली हम लोग इस बालक का फ़ोटो लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अगर बच्चे का हमें फ़ोटो लेना है तो हम लोगों को, अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी कि आप लोग कितना सोच सकते हैं, कितना आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, उसी हिसाब से ये यहाँ पे काम करेगा। ये इसको मैंने छोटा किया और इस फ़ोटो का जो एक्स्ट्रा भाग है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस फ़ोटो को थोड़ा क्रॉप कर लिया है और मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। अब ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, तो लिखने के लिए आपको ये लेना है। तो अब ये जो कैमरा है इसके ऊपर जो लेंस लगा हुआ है निकॉन 55-300 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं निकॉन NIKON निकॉन। अब कैसा लिखना है, क्या करना है, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, तो वो आपको सोचना है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, जैसे निकॉन जो लिखा हुआ है इसके नीचे हम लोग कोई दूसरा कलर दे दें, थोड़ा एट्रेक्टिव कलर दे दें। तो ये जो टूल है यहाँ पर, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर एक ऐसा कुछ भी लगा देते हैं जिसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। कलर ओवरले मैंने कर लिया है, अभी सपोज मैंने रेड कलर कर लिया है, ये रेड। तब जो निकॉन लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा यहाँ से लेयर से ऊपर कर लेता हूँ ये। अब अगर हम निकॉन का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम लोग ये जो निकॉन वाली जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये जो कलर ओवरले है इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर जो भी बदलना चाहें हम लोग बदल सकते हैं। येलो, जैसा भी आपको कलर पसंद है आप वैसा रंग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक भड़कीला येलो कलर जो होता है वो मैंने लगा दिया ये। वापस लेयर के ऊपर ही हमें देखना है 55-300, तो इसको पकड़ के थोड़ा इसके ऊपर लाना पड़ेगा हमें इस प्रकार से। तो देखिए ये आपको हल्का दिखाई दे रहा है 55-300 mm। अब इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और कलर ओवरले में जाएंगे और इसका कलर हम लोग बिल्कुल वाइट कर देते हैं इस प्रकार से। ये वाइट कर दिया, ये ओके कर दिया। क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से फ़ोटो बनाते हैं, और अगर आपको यहाँ पे फ़ोटो नहीं चाहिए तो आप फ़ोटो को हटा सकते हैं। अगर आप इस फ़ोटो को और छोटा चाहते हैं तो आप इस फ़ोटो को और भी आप छोटा बना सकते हैं। इसको
थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम इस प्रकार से, ये हमने बड़ा कर दिया। फोटो के ऊपर अगर बॉर्डर लगानी है तो ये लेयर के अंदर जा कर के हमें इस पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग बॉर्डर स्ट्रॉक ये लगा सकते हैं। ब्लैक बॉर्डर लगानी, कितनी बड़ी लगानी, कैसी लगानी, वो हम लोग यहाँ से तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्लैक बॉर्डर लगाई जा सकती है। थंबनेल कैसे बनाएं, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से अगर आपको टाइपिंग आपको आती होगी तो अगर ये इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं अपन थंबनेल, और कैसे बनाएं, ठीक है, तो ये थंबनेल कैसे बनाएं। इसका जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। वापस इस टी में चले जाइए मैन्युअली, यहाँ से ये जो ऊपर कलर लिखा हुआ है तो इससे आपको जो भी कलर चाहिए आप उस टाइप का कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। बहुत बहुत तरीके के इसमें कलर होते हैं, जो भी आपको कलर पसंद है। आपको ब्लैक चाहिए आप ब्लैक ले लीजिए, आपको वाइट चाहिए वाइट ले लीजिए, जो भी है। और अगर आपको ये ग्रीन भड़कीला कलर चाहिए, ये क्या, ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है अगर इस प्रकार का ले लेते हैं। और इसके ऊपर यदि हम लोग कोई ब्लैक बैकग्राउंड लगा देते हैं पीछे, इसके पीछे इस प्रकार से, ये इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कलर ओवरले कर देते हैं और यहाँ पे जाके हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये आपका हो गया है। अब थंबनेल कैसे बनाते हैं, इस लेयर को सेलेक्ट करना है, इसको ऊपर खिसकाना है, पूरा लेयर के ऊपर होता है। तो आप देखिए ये बहुत अच्छा दिखने लग गया, ठीक है। अब पीछे का जो बैकग्राउंड है आपको वो अगर बदलना है, किसी दूसरे कलर का करना है, तो ये नीचे जो लेयर है इसमें लिखा हुआ बैकग्राउंड, यहाँ पर जाइए, आप यहाँ से कोई भी कलर पसंद कर लीजिए। आपको माना कि थोड़ा हल्का इस प्रकार का चाहिए या ब्लू कलर चाहिए थोड़ा, तो इस प्रकार का ब्लूइश लेकर के आप यहाँ से एक बकेट टूल होता है पेंट बकेट टूल, ये लेकर के इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये आप पे निर्भर करता है आप किस प्रकार के इसके कलर लें। और इसमें भी अगर आप कुछ भी और डिज़ाइनिंग करना चाहें तो ये लेयर्स जीरो जो है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप धीरे धीरे यहाँ से सीख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको देखिए ये बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है। इनर ग्लो हो गया, स्ट्रोक हो गया, टेक्स्चर हो गया। अब ये टेक्स्चर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, टेक्स्चर बहुत तरीके के टेक्स्चर होते हैं। अभी जैसे मैंने ये टेक्स्चर लगा दिया, ओके कर दिया, तो देखिए इसके बैक में आपको टेक्स्चर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप कैमरे को नहीं चाहते हैं, इसको कैमरे को आप डिलीट कर दीजिए। और अगर इसको बड़ा यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो ये थंबनेल कैसे बनाएं, इस प्रकार से ये ले आएं और इसको वापस यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से ये फ़ोटो बड़ी हो गई। क्रिएट थंबनेल इस प्रकार से लिख दिया है। नीचे वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर ये थोड़ा इस पर कट पीट आ रहा था, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। और अगर आप इसको और भी कुछ ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल समानांतर ले लीजिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से ले लीजिए और इसको थोड़ा नीचे खिसका दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप हाउ टू, किसी भी कलर में लिख दीजिए हाउ टू क्रिएट थंबनेल। ये हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए मैक, हाउ टू मैक को। यहाँ से अगर अक्षर आपको चेंज करने हैं तो ये टी के अंदर जाइए, सेलेक्ट कीजिए, और आपको जो भी यहाँ पे बहुत सारे अक्षर हैं तो आपको जो भी पसंद आए उसको आप ले लीजिए। अब जैसे ये हो गया हाउ टू मेक थंबनेल। अगर आपको ये भी येलो कलर का चाहिए हाउ टू, तो इस पर जाइए आप, यहाँ पर आ जाइए और इसको ये प्लेट ले लीजिए और यहाँ से आप इसको ड्रॉपर लेकर के सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हो गया ये। अब इसमें अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल अल्ट दबाते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये। तो अनेकों विद्याएं हैं इसमें, अनेकों तरीके हैं आप कैसे इस पर बनाना चाहते हैं। और अगर आपको थंबनेल और बड़ा लिखना है या थंबनेल को और अलग लुक में देना है तो आप टी पर क्लिक कर लीजिए
इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, फिर वापस आइए टी के ऊपर और फिर यहाँ पे एक बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इस पर, और इसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट हो गया, अब इसको आप ऊपर ले आइए। ऊपर लाने के लिए सीधा है, कंट्रोल दबा करके जो कोष्ठक लगा हुआ है उसको हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं। पहले मैं एंटर कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग यहाँ से इस प्रकार से इसको ऊपर ले आते हैं। ये ऊपर आ गया, ये थंबनेल अलग कलर का हो गया। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद में भी हम लोग इसके नीचे अगर कुछ भी और डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इसके नीचे आप एक और डिज़ाइनिंग लगा दीजिए जी। अगर इस टाइप की चाहते हैं इस टाइप की, और ये जो थंबनेल यहाँ पे लेयर्स के अंदर लिखा हुआ है इसको ऊपर कर दीजिए। ये अगर आपको प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आराम से आप थंबनेल को बना सकते हैं। इसको मैंने सेव नहीं किया तो मैं फाइल में जाऊँगा और सेव एज कर दूँगा इसको। अगर मुझे YouTube पर अपलोड करना है तो मैं इसको थोड़ा सा माइनस रखूँ यहाँ पे, या 1.2 MB आ रहा तो मैं इससे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे YouTube पे अपलोड हो जाएगा। अभी 848 हो गया तो बस इसको ओके कर दीजिए। अब आप इसको YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। और यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और थंबनेल बनाने का एक सरल तरीका आपने देखा है, तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं थंबनेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।